जय जवान जय किसान जय बलराम। नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंदौर मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। मैं भरत रोज की तरह आपको दिखाने वाला इंदौर मंडी में भाव। बोलो जय जवान जय किसान। भाव का वीडियो आएगा, मंडी से भी आएगा। अभी थोड़ा सा मैंने कहा लेट हो रहा था, तो मैं यहीं से आवक वाला वीडियो डाल दूं, और उसके अलावा कुछ बात भी करनी थी वो भी कर लूं। जैसे कर दो जय जवान जय किसान, जाओ खेलो। आज यहीं से आवक का वीडियो बता दूं कहीं ना कहीं कि क्या है, वहां पता लगाया थोड़ा बहुत मैंने। देखिए किसान भाई, पहले आवक से पहले मैं हमेशा एक बात करता हूँ और आज भी बात करूँगा। अभी कुछ संशय है कुछ किसानों में कि अभी भी प्याज रखे क्या, पुराने वाले बोल रहा हूँ। तो मेरा बोलना है कि यार ये भाव कोई अच्छा नहीं है, मतलब थोड़ा थोड़ा जैसा चलने दो, अभी भी रखना यार मेरे हिसाब से आप सही नहीं होगा। हालांकि देखो भाव मिलेगा, भाव लगता है कि आज भी मुझे जहां तक लग रहा है कि थोड़ा और ऊपर जाएगा भाव, जहां तक लग पा रहा है मुझे। दूसरी चीज़ ये है कि थोड़ा थोड़ा जैसा चल रहा है चलने दो। नया प्याज वाले भी किसान भाई टेंशन मत लो, नए प्याज में मुझे लग रहा है कि नए प्याज में भाव मिल जाएगा। बाकी आगे कोई ऐसी कोई स्थिति नहीं दिख रही कि यार जिससे प्याज का भाव न मिले। रहा सवाल लहसुन का, तो लहसुन में भी देखिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, लहसुन में भी आप अगर देखते हैं हमारे एक्चुअली दो वीडियो आ रहे हैं। पहला आ रहा है जिसमें लहसुन सही भाव बताया गया है, और दूसरा आ रहा है कि क्या भाव बिका किसान भाई बता रहे हैं, और साथ ही साथ उनके पास कितना और गांव में कितना बचा हुआ है। अभी अभी जो प्याज का वाला वीडियो था वो जिसमें हम पूछ रहे थे कि आखिर पुराना प्याज घर पे कितना बचा, वो अभी नहीं बना रहे, वो नया वाला बनाने लग गए अभी अपन। क्योंकि पुराना वाला भी जो है प्याज वो सबको पता है कि अब इतना प्याज नहीं है। और अगर आज के आवकों की बात करें तो आवक के प्याज के लगभग 40,000 के आसपास बताई जा रही है। और दूसरी लहसुन की अगर बात करें तो लहसुन 7,500 कट्टे बताए जा रहे हैं। किसान भाई मेरा आपसे एक ही हाथ जोड़ के निवेदन है, हम अपना तरीका अपनी स्ट्रेटजी वो न बदलें। अगर वो बदला हमने तो कहीं ना कहीं वो सबके लिए दिक्कत है। इसलिए जैसा चल रहा है, मैं तो नए प्याज वाले किसान भाइयों को भी यही बोल रहा हूँ कि आप भी क्या करो, अगर अच्छा है तो उसको रोक रोक के थोड़ा थोड़ा करके बेचो। मार्केट में अपने को एकदम से आवक नहीं बढ़ानी है, ये बात आप समझने का प्रयास करें। हाँ खराब हो रहा तो उसको बेचना ही पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन हाँ थोड़ा बहुत अच्छा है तो उसको रोक रोक के बेचो, उससे क्या होगा आपको भाव मिल जाएगा। अगर एक साथ लाने का प्रयास किया तो मार्केट में भी एकदम से प्रेशर बनेगा, और जब मार्केट में प्रेशर बनेगा तो दिक्कत वाली स्थिति आ सकती है। अभी तो कोई लग नहीं रहा है, ठीक है। लोडिंग के लिए मैं बार बार बोल चुका हूँ, नया प्याज इतनी मात्रा में नहीं लग सकता। अच्छा एक और दूसरी चीज़, जितने भी भाई ये वीडियो देख रहे हैं खासकर खंडवा और महाराष्ट्र वाले और अलवर वाले, आप लोग भाई कमेंट्स करके जरूर एक वास्तविकता बताइए कि वास्तविकता में कितना प्याज अभी महाराष्ट्र खंडवा और अलवर की तरफ खराब हुआ है। अपने क्षेत्र का नाम भी लिखिएगा, आप कौन से गांव से हैं, और उसके अलावा कितना प्याज कितनी मात्रा में 50% मात्रा में या 60% मात्रा में खराब हुआ है, या यूँ बोल दीजिए कि कितने एकड़ में कितना प्याज हो रहा है। तमाम तरह की आप जानकारी जरूर दीजिएगा, जिससे कि आगे क्या हो सकता है उसका हम अनुमान लगा सकें, और भाव क्या मिल सके उसके ऊपर रिसर्च कर सकें, थोड़ा सा संशोधन उसमें थोड़ा सा हम पता कर सकें कि क्या संभावना बन सकती है। साथ ही साथ अगर आपके पास लहसुन है तो कितनी मात्रा में बचा हुआ कोशिश करें, वो भी कमेंट्स में करें। जय जवान जय किसान। बोलो जय।